हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में यार मैं बात करूंगा पोको F2 के बारे में। और यार जो रेडमी का K20 है और या फिर आप देखोगे तो रियलमी X है यार, ये जो फोन जो है अभी इस टाइम पर यार मार्केट में काफी तहलका मचा चुके हैं, काफी अच्छे से यार परफॉर्म कर रहे हैं और काफी अच्छे टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन यार बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि यार जो पोको F2 है वो शायद नहीं आएगा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट यहाँ पर जो लीक्स वगैरह हैं वो यहाँ पर सामने आ चुके हैं। और इसमें यार आपको जो दिख रहा है पोको F2, उसमें आपको दिखेगा यार डू ड्रॉप नॉच, या फिर जो भी बोलो यार यू शेप नॉच, ड्रॉप नॉच, डॉट नॉच, कुछ भी बोल सकते हो आप। और ये जो लीक अभी सामने आया, इसका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर सामने आया वैसे तो, लेकिन कहीं जगह पर इसकी जो जैसे अली एक्सप्रेस है उस पर इसकी स्क्रीन वगैरह भी लीक हो गई है, कि जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट वगैरह और भी बहुत सारे छोटे छोटे लीक्स अभी सामने आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पोको F2 यार जल्दी से जल्दी मार्केट में आने वाला है। ऐसा नहीं था जैसे पहले बोला जा रहा था कि भाई पोको F2 है वो नहीं आएगा और जो K20 है वही पोको F2 है। और इस पर मनु जैन वगैरह भी यार बहुत टाइम से यार उन्होंने अपनी जो चुप्पी वगैरह साधी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर उनका जो फ़ोन है अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, और वो नहीं चाहेंगे कि भाई जो पोको F2 है अगर वो यहाँ पर रूमर्स वगैरह सामने आते हैं कि यार, या फिर वो खुद बोलते हैं कि यार पोको F2 आएगा, तो उनकी जो सेल्स है K20 की सेल्स है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। वैसे भी थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पर लगता है कि पड़ा है, क्योंकि इसका जो प्राइस है इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है यार ये K20, और काफ़ी अच्छा से परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है। और रियलमी X है यार उसको काफ़ी अच्छे से टक्कर भी दे रहा है। और मैंने भी अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनाई है पोको F2 को लेकर या उसके लीक्स को लेकर, तो उस टाइम तक जो लीक्स थे वो इतने ज़्यादा सामने नहीं आए थे, अब यहाँ पर सामने आ चुके हैं लीक्स, तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो फ़ोन है आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दी नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि Xiaomi की स्ट्रैटेजी यही होगी कि पहले यार K20 और K20 Pro है उनको अच्छे से बेचें और उसके बाद यहाँ पर पोको F2 को लेके आए। यहाँ पर अगर आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा तो ये शायद आ सकता है सितंबर के टाइम पर, या फिर थोड़ा उससे भी लेट, क्योंकि जब तक यार K20 जैसे मैंने बोला थोड़ा सा बेचने की कोशिश करेंगे, और उस टाइम तक जब तक ये आएगा, जब तक पोको F2 आएगा, तब तक हो सकता है K20 का प्राइस थोड़ा और ड्रॉप कर दें, हो सकता है 25,000 के करीब आपको K20 Pro मिले और ये जो पोको F2 है इसी के अराउंड लॉन्च करें। जो छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी वो यहाँ पर हो सकता है आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिले, अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको यहाँ पर मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर OLED स्क्रीन होगी, और यहाँ पर जो पॉपअप वाला सेल्फी कैमरा तो नहीं देखने को मिलेगा जिस तरह से अगर लीक सामने आ रहा है, अगर ये सही है तो। उसके बाद अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, क्योंकि पोको F1 में जो बिल्ड क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि उसको प्लास्टिक बिल्ड मिला है, और यहाँ पर हो सकता है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करके यहाँ पर ग्लास वगैरह डाल दे जैसे रेडमी का नोट 7 है या नोट 7 प्रो है, तो ये हो सकता है। अभी आगे क्या आने वाला है वो शायद धीरे धीरे जितने भी और लीक्स आएंगे मैं उस पर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आपको क्या लगता है यार इस फ़ोन के बारे में, पोको F2 के बारे में कैसा फ़ोन होने वाला है, क्या आप ये फ़ोन खरीदेंगे या फिर आप ये जो K20 है इसकी तरफ अभी जाएंगे, K20, K20 Pro, Realme X, ये जो सारे फ़ोन हैं काफ़ी अच्छे खासे हैं। मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ यार ये पोको F2 के लिए, क्योंकि ये जो फ़ोन है यार मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, पोको F1 जो वाला फ़ोन था वो काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, और जो पोको F1 है यार काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, इसके अंदर जो आपको यार UI वगैरह देखने को मिलता है एड फ्री UI, तो वो मुझे यार मेरा पर्सनल यहाँ पर फेवरेट है फोन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था यार पोको F2 के अपडेट के बारे में, मैंने सोचा यार एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिनों से तो यहाँ पर मेरे को लगा एक शॉर्ट वीडियो बनाना थोड़ा बेटर रहेगा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने यार इंस्टाग्राम पर भी मुझे यार पर्सनल मैसेज वगैरह किए, और बहुत सारे लोगों के मैं यार मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पाया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी यार मैं जल्दी से जल्दी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। और जब बाय द वे जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने पीछे जो सेटअप है थोड़ा सा चेंज किया है अपना यहाँ पर, और इस पर भी मैं यार सोच रहा था एक व्लॉग बनाने की, लेकिन व्लॉग बनाया नहीं मैंने, और इसमें कोई इंप्रूवमेंट वगैरह की जरूरत हो तो वो भी मुझे जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, साथ में आपको हमारा ये चैनल पसंद आया, आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोज लेके आऊँ, जल्दी से जल्दी लेके आऊँ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।